अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड रिव्यू। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी वीडियो है एक रिव्यू वीडियो, और उसमें मैं हिमानी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हिमानी बाय वसीम बदामी, उसका रिव्यू करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, तकरीबन 10-12 प्रोडक्ट होंगे, ये मैंने एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर लिए। और क्योंकि जब भी हिमानी की प्रमोशन करते थे वसीम बदामी, और उनके डिफरेंट वेबसाइट्स पे प्रमोशंस चलते थे, सेल्स होती थी, तो बहुत अट्रैक्टिव डील्स लगती थी। और जैसे सारी गर्ल्स को, फीमेल्स को, लेडीज़ को स्किन केयर का, मेकअप का बेसिक शौक होता है, तो मुझे भी शौक था, तो मैंने भी लिए एक साल के अंदर। क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ या जॉब पे जाती हूँ, तो तमाम चीज़ें मुझे भी काम आती हैं, और मुझे भी चाहिए होती हैं कि मैं भी अच्छी मॉइस्चराइज़र, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, अच्छा फेस सीरम लगाऊँ, और मेरे डार्क सर्कल्स भी जो थोड़े बहुत हैं वो ठीक हो जाएं, कलर जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, हर शख्स अच्छे से अच्छा चाहता है। तो पाकिस्तानी ब्रांड जब इतना फेमस हुआ तो मैंने भी लिया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने एक दिन में नहीं ली हैं, एक साल 1.5 साल की ये जमा पूंजी है, ठीक है लड़कियों दोस्तों। तो उसमें ये कि मैं आपको बताऊंगी कि ये तमाम चीज़ें मैंने इनकी एक एक चीज़ यूज़ की है, बल्कि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, इससे भी ज़्यादा मैंने 2-3 और चीज़ें भी ली थी जिनका मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट निकला, मैंने किस तरह इस्तेमाल किया और मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ताकि अगर आप बाय कर रही हैं तो आप उसको अच्छी तरह पहले देख लें कि ये किस तरह के प्रोडक्ट हैं। मैं सबको बारी बारी जो है खोल के दिखाऊंगी, लगा के दिखाऊंगी, आप इनका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी सब देखेंगी, और अगर आपको कोई चीज़ उसमें से पसंद आती है तो वो आप ले सकती हैं। मगर मैं अपनी वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले ये बताना चाह रही हूँ कि इनकी हर चीज़ अच्छी नहीं है, जो चीज़ें अच्छी हैं मैं उनका भी बताऊँगी, और जो चीज़ें मुझे एवरेज लगी या नॉर्मल सी लगी मैं आपको वो भी बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊँ कि इनका जो है वो कि ये वाइटनिंग सीरम, अगर फोकस हो थोड़ा सा, ये देखें, ये फेस सीरम है जो कि इनका वाइटनिंग सीरम है, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये 30 ml की बेसिकली बोतल है, और इनकी इसकी प्राइस रेंज आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी, लेकिन मैं आपको अभी एवरेज प्राइस सारे प्रोडक्ट्स की बता दूँ, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। 1000-1200 की तमाम चीज़ें, हर एक चीज़ जो है वो 1000-1200 की है, मेकअप के अलावा, मेकअप का मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। एवरेज इनकी प्राइस 1000-1200, 1100, 1150, 1300 इस तरह की होती है। अब ये जो फेस सीरम है, ये जो मतलब एक दावा करता है, वो ये करता है कि ये ब्राइटन करेगा स्किन को, और अनइवन टोन इसका जो है वो आपकी स्किन का जो है वो इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। अब ये सीरम मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये देखें, ये मैंने इतना तो इस्तेमाल कर लिया, देखें आप कहाँ से आपको नजर आएगा, ये देखें, ये आपको पानी नजर आ रहा है, बिल्कुल आधे से ज्यादा मैं इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और ये कुछ इस शक्ल का है, ये मैं आपको लगा के दिखाऊं, ठीक है। ये आपने बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है वो पानी की तरह है, और ये देखिए, ये ऐसे अप्लाई हो गया है बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे ये सीरम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ी देर में जिस तरह रोज वाटर खुश्क होता है, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, और इसका कोई भी इतना खास इफेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ मैंने पूरी, आपने देखा कि आपको मैंने पूरी बोतल दिखाई कि ये आधी से ज़्यादा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मगर मुझे कोई भी इसका इफ़ेक्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये तो मैं इसको तो मैं 10 में से 5 भी मार्क्स नहीं दूंगी, क्योंकि इसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ फेस सीरम का, ठीक है। इसी तरह का मैंने एक आई सीरम लिया था, अगर ये थोड़ा सा फोकस हो जाए, हाँ ये देखें, ये फेस सीरम फोकस हुआ। इसी तरीके से मैंने जो है वो एक आई सीरम लिया था, और वो भी जो है वो
उसका भी कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ डार्क सर्किल पर, तो मैं इनको तो 10 में से 5 भी नहीं देना चाह रही ना इसको। अब जो मैं करती जा रही हूँ मैं साइड पे कर देती हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है ये मैंने विंटर के टाइम पे लिया था, और ये बिल्कुल समझें कि कोकोनट ऑयल है समझें आप। और इन्होंने ये दावा किया कि ये फ्रैकल ऑयल है, क्योंकि पिगमेंटेशन थोड़ी बहुत ब्राउन स्पॉट हम कैसे झाइयाँ कहते हैं सनलाइट के अंदर अक्सर औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को हो जाती है, मेल्स को भी हो जाती है, तो फ्रैकल्स हम उसको कहते हैं पिगमेंटेशन को। तो उसके लिए मैंने जब देखा कि भाई हर्बल प्रोडक्ट है इनके और स्किन केयर की रेंज हर्बल है, ऑर्गेनिक है, तो वाई नॉट वी शुड ट्राई दिस, तो मैंने भी ले लिया। ये भी 1000-1200 का इतना ही का होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने पिछले साल सर्दियों में लिया था। कोकोनट ऑयल है बेसिकली इसके अंदर, और इस पे भी कोई चेहरे पे कोई खास एग्जैक्टली फ्रैकल्स पे तो असर नहीं पड़ा, लेकिन चूंकि ये कोकोनट ऑयल इसके अंदर है और ये 40 ml की पूरी बॉटल आती है, तो स्किन पे एक कोकोनट ऑयल का इफेक्ट आ जाता है, जो कि ये होता है कि आपकी स्किन थोड़ी ग्लोई हो गई या थोड़ी सी बेहतर हो गई, मॉइस्चराइज बेसिकली हो गई। अब ये देखें ये जम जाता है जब विंटर आती है, ठीक है। जब विंटर था तो ये बिल्कुल जम गया था कोकोनट ऑयल की वजह से, और अभी जो है ये बिल्कुल पानी पानी है क्योंकि गर्मियां हैं। ये मैंने आपको एक मतलब ये एक ऑयल है, ठीक है। और ये देखें इसका इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये एक ऑयली इफेक्ट, अगर आप कोई बादाम का या नारियल का तेल लगाते हैं और जो स्किन पे एक इफेक्ट आता है वही इफेक्ट इसकी वजह से आता है। तो अगर आपको कोकोनट ऑयल वाले सेंस में इसको लेना है तो अच्छा है आप ले लें, लेकिन आप ये अगर ये समझ के लेंगे कि हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन या फ्रैकल्स पे कोई खास फर्क पड़ेगा तो फिर इसको आप बाय ना करें। इसका प्लस पॉइंट ये कि ऑयल है, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, खुशबू बहुत अच्छी है, स्किन को मॉइस्चराइज अच्छा करता है, लेकिन जो इन्होंने लिखा है ना ये फ्रैकल, ये इस पे कोई काम इसका नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं 10 में से 5 देती हूँ। मॉइस्चराइजर अच्छा है ऑयल की फॉर्म में, मगर फ्रैकल पे कोई असर नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा जी। चलो दूसरा प्रोडक्ट, अब हम अपने तीसरे प्रोडक्ट की बात कर लें, तो वो हम आपको मैं आपको बताऊं कि इनका ये एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल, ठीक है। ये इनका एलोवेरा जेल है, जो मैं आप देख सकते हैं कि ये मैंने ये भी काफी यूज किया हुआ है, और इसका नाम है इंटेंसिव केयर थेरेपी एलोवेरा जेल, ठीक है। ये बॉटल है और ये मैंने पूरी जो है वो 2 महीनों में खत्म कर दी, समझे, खाली पड़ी है ये बोतल। ये इनका अच्छी प्रोडक्ट है ना, ये जेल अच्छा है। वैसे एलोवेरा जेल तो हर कंपनी का अच्छा ही होता है, ऑर्गेनिक चीज़ है, लेकिन इनका जो है ये एलोवेरा जेल अच्छा है। ये मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो हिमानी वालों का लें, अच्छा इसका इफेक्ट है और इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता है। और जो दूसरी रिकमेंडेशन है जो मैं पहले यूज़ बहुत करती थी, इनका रोज़ वाटर भी बहुत अच्छा है। तो जो हिमानी का जो ये इंटेंसिव केयर एलोवेरा जेल है, प्योर बिल्कुल एलोवेरा जेल है, ठीक है, ये अच्छा है। और इनका रोज़ वाटर बहुत अच्छा है स्प्रे, और वो ये दोनों चीज़ें मैं इनकी हमेशा लेती हूँ और यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये 9 out of 10 है, और रोज़ वाटर भी 9 out of 10 है, और ये आप ज़रूर लें, एलोवेरा जेल इनका अच्छा है। जो चीज़ अच्छी है उनको मैं कह रही हूँ कि वो आप ले लें, ठीक है, तो ये आप ज़रूर लें इनका। अच्छा, उसके बाद इनका एक और प्रोडक्ट आता है जो कि अगेन स्किन से ही रिलेटेड है, क्योंकि लिप्स जो होते हैं वो स्किन का ही पार्ट होते हैं, और ये भी मैं जो भी आपको रिव्यू दे रही हूँ वो तमाम चीज़ों को आजमा के यूज़ करके दे रही हूँ, फेक रिव्यू नहीं दे रही हूँ, और तमाम चीज़ें अपने पैसों से ख़रीदी हैं। ये देखें, ये मेरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ये मैं बोतल 1-2 दिन में फेंक ही दूँगी, ठीक है। ये इनका लिप स्क्रब है, ये इनका लिप स्क्रब है, हिमानी वालों का लोगो बना हुआ है, देखिए आप, स्ट्रॉबेरी की ये इसकी फ्लेवर था, और इसको भी मैं दिखाती हूँ कि जो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में है, दानेदार है। ये भी इनका अच्छा प्रोडक्ट है, सही है, ठीक है। इससे ये होता है कि जो आपके लिप्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, फट रहे होते हैं और
आपकी लिप्स को मॉइस्चराइजर चाहिए होता है और डेड स्किन आप अपने लिप्स की उतारना चाहते हैं, बाज लोगों के होंठ बहुत जल्दी जल्दी सर्दियों में या गर्मियों में फटते हैं, तो ये उनके लिए ठीक है। मतलब ये मैं देती हूँ 10 में से 7 इसको दूंगी। और ये इस तरीके का कुछ इसकी जैसे चिपकने वाली कंसिस्टेंसी है और दानेदार है, ये देखें आप, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी इनका ठीक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी तक जो रिकमेंडेशन है वो एलोवेरा जेल, रोज वाटर और लिप स्क्रब की है, ठीक है। उसके बाद इनका अगेन नेल से रिलेटेड एक प्रोडक्ट आता है जो कि इन्होंने नेल सीरम के नाम से इन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। और ये भी इन्हीं का, हिमानी वालों का है। इस पे भी सारी इंस्ट्रक्शन हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कि ये कैसा है, क्या है, किस तरह यूज़ करना है। लेकिन जो मेन बात है, इस तरह की शक्ल के अंदर आता है। इनकी चीज़ों की पैकेजिंग अच्छी है ना, पैकेजिंग के मैं नंबर दूंगी इनको। इनकी जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग अच्छी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है कि ये जो है आपका स्ट्रेंथन करता है और प्रोटेक्ट करता है नेल को, प्रमोट करता है हेल्दी नेल ग्रोथ और हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी 2018 से 22 तक एक्सपायरी हर चीज़ मेंशन है, और ऑर्गेनिक नेल सीरम है और आर्गन ऑयल लिखा हुआ भी है, आर्गन ऑयल से बनाया हुआ है। पर मेरे नेल्स पे जो है इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं किया, मुझे लगा कि ये भी शायद एक ऑयल ही है जो कि फैंसी प्रोडक्ट बना के इन्होंने दे दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से खुलता है, खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये खुला, और ये ऊपर का जो इसका ये है ना, ये इसे प्रेस करें और करें तो ये इस तरीके से ऑयल आ जाता है। ये भी एक ऑयली फॉर्म के अंदर सीरम है, और मतलब मेरे जो इनके मेरे जो नेल्स हैं उस पर कोई भी इसने इफेक्ट नहीं छोड़ा। तो ये भी मैं 10 में से इसको भी 3-4 मार्क्स ही दूंगी, जब इसने कोई काम ही नहीं किया मेरे लिए, नेल्स के लिए, सॉरी, ठीक है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है जो मैंने यूज़ किया और मुझे उतना वो भी इफेक्टिव नहीं लगा, वो ये इनका आई लैशेज स्ट्रेंथनिंग लेंथनिंग सीरम है। इससे आपकी आई लैशेज मजबूत और लंबी होती हैं। इसके अंदर भी वो जो अमूमन हम डालते हैं ऑयल, बादाम का ऑयल और कैस्टर ऑयल, बेसिकली इसके अंदर कैस्टर ऑयल है जो कि हम अपनी जो आईब्रोज और लैशेस को लड़कियां लेडीज बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने पूरा यूज़ करा और ये पूरा खाली है, ठीक है। इसका भी फैंसी पैकेजिंग थी और अच्छी थी, और ये इस तरीके से आप अपने आई लैशेस पे ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश की फॉर्म भी दी हुई है इसके अंदर, एप्लीकेटर ब्रश की फॉर्म में दिया हुआ है, कहने का मकसद ये है। लेकिन इसने भी मेरी आई लैशेज को लंबा नहीं किया और कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी 10 में से 5 नंबर ही मैं इसको दूंगी। इसको मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं करती, इससे बेहतर ये है कि आप अपने घर में ही कैस्टर ऑयल अपनी आँखों पर पलकों पर लगाएं ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो, खूबसूरती आए, ठीक है। तो वो आप अपने घर में वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल। उसके बाद इनका ये मास्क है जो कि ब्लैक ऑफ पील ऑफ मास्क फॉर नोज है, और ये मास्क अच्छा है नोज़ के लिए। इसमें ये कि अगर आपके कोई प्रोमिनेंट ब्लैक हेड्स हैं और इजीली आपकी नोज़ से वो निकल जाते हैं, तो अगर आप ये मास्क अप्लाई करेंगे तो वो इजीली पील ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। पील ऑफ मास्क है तो इसको सूखने के लिए 5-6 मिनट चाहिए होते हैं और थिन लेयर अप्लाई करनी होती है। इसके अंदर सारी आपको हिदायत मेंशन की गई है, ठीक है। तो ये एक अच्छा है, ये आप ले सकते हैं। इसको मैं 7 out of 10 देती हूँ, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपको मैं खोल के भी दिखा दूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको ओपन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको लेना हो। ये इस शक्ल में आता है, ये देखें, ये इस शक्ल में आता है, और ये ऐसे आप थिन लेयर लगा लें मास्क की। इस पर मैंने एक्चुअली ऑयल पे लगा दिया है, जहाँ मैंने पहले ऑयल लगाया था। इस तरह की थिन लेयर आप लगा लीजिए तो आपके अगर प्रोमिनेंट या बिल्कुल सरफेस पे जो ब्लैक हेड्स होंगे ना,
वो ये निकाल देगा। तो ये भी एक अच्छा है, और इसका इसको लगाने से एक कूलिंग इफेक्ट भी आता है, एक अच्छा मास्क है ये। तो ये 7 out of 10 मैंने इसको दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इनका ये चीज़ें। मैंने इनकी हर्बल और ऑर्गेनिक के शौक में बहुत ज़्यादा ले ली थी, मैं लेती रहती थी, लेकिन जब मैंने उनको एक साल इस्तेमाल किया तो मैंने सोचा कि जो जो व्यूवर्स हैं जो के शौक रखते हैं चीज़ें ख़रीद के लगाने का, तो वो देख लें अच्छी तरह, अगर उनको इस पर से कोई चीज़ वर्थ बाइंग लगती है तो वो ख़रीदें, वरना मेरी तरह अपने पैसे ज़ाया ना करें। अगर आपको ठीक है तो मैं एंड में फिर आपको समरी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें इनकी लेनी है फाइनल आपने। अच्छा जी, अल्ट्रा हाइड्रेंट स्लीपिंग मास्क है ये। अब मैंने सोचा कि इससे शायद नींद में कोई फ़र्क पड़ेगा या क्या होगा, इस चक्कर में मैंने इसको भी ले लिया। और जबकि मेरी मदर कह रही थी कि बेटा आप ना लें क्योंकि हर चीज़ वर्थ बाइंग नहीं होती, पर मैंने स्लीपिंग मास्क फर्स्ट टाइम सुना था एक साल पहले, तो मैंने ले लिया। तो लेकिन इसको इसके लगाने से ना मुझे थोड़ी फेस पे जो है वो आँखों से ना पानी आता है जब मैं इसको लगाती हूँ, और इसका भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है। एक फैंसी प्रोडक्ट है और ये इस ट्यूब की शक्ल में आता है, मैंने 2-3 दफ़ा ही लगाया है और ये पूरा भरा हुआ है, मुझे ये पसंद ही नहीं आया। तो इतना कोई ख़ास नहीं है, और ये इसके अंदर जो फ्लेवर दिया हुआ है वो पोमीग्रेनेट अनार का दिया हुआ है, और इसके अंदर जो हिदायत लिखी हुई है वो सिंपल ही हैं, इतनी कोई ख़ास नहीं है, कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ये पोमीग्रेनेट और हर्बल एक्सट्रैक्ट का, जो फाइन लाइन कम करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, ये सब कुछ करेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग स्लिप आपको चेहरे को ये बहुत हाइड्रेट, हेल्दी और सॉफ्ट कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। इसके अंदर वाइटामिन सी, एक्वा, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। इससे बेहतर आप वाइटामिन सी का सीरम या क्रीम ले लें, वो डायरेक्ट लगा लें, ठीक है। तो ये भी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, इसको भी मैं 10 में से 5 ही दूंगी। उसके बाद फिर इनकी हेयर के प्रोडक्ट भी चले थे साथ में, तो मैंने ये ले लिया। और आप देखें नाजरीन के ये खाली हो चुकी है बोतल, क्योंकि जब आप अपने हेयर को वॉश करते हैं तो आपको एक मॉइस्चराइजर चाहिए होता है ताकि हेयर आपके सिल्की हो जाएं। तो ये इंटेंसिव केयर थेरेपी है बेसिकली, और इट कंटेन्स एलोवेरा, ठीक है। तो एलोवेरा क्या करता है, आपके बालों को बिल्कुल सीधा मॉइस्चराइज और हेल्दी करता है, नहाने के बाद रूखे बालों में ये अप्लाई करना होता है। तो ये लिखा हुआ है नो रिंस कंडीशनर, यानी ये जो नो रिंस कंडीशनर है ये आप अपने बाल, मतलब आपने शैम्पू कर लिया तो आप डायरेक्ट जो है इसको अप्लाई कर लें और इसको जो है धोने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस खुशी में कि अब हम नॉर्मली जब हम कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं हम सब लोग, तो हम उसको 5-6 मिनट बाद अपने बालों को धो लेते, लेकिन ये वो कंडीशनर था जिसको धोने की ज़रूरत नहीं थी, बस आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे करें और एलोवेरा अप्लाई कर लें अपने बालों के अंदर। तो मैंने किया 6 महीने और मुझे रिजल्ट इतना कोई ख़ास नहीं मिला, मेरे बालों का जो टेक्स्चर था वो वैसा ही होता था, मुझे स्ट्रेटनर ही यूज़ करना पड़ता था सीधे करने के लिए। तो इससे बेहतर तो ये कि आप कोई भी ऑयल अच्छा सा ऑयल ले लें, सरसों का, जैतून का या नारियल का, और वो अपने बालों में लगा लें। तो ये भी मुझे कोई इतना इफेक्टिव नहीं लगा, ये भी 5 दूंगी मैं out of 10, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेकअप की। तो मैंने इनका मेकअप भी लिया, तो जब हम जाते हैं स्पेशली, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, स्पेशली जब भी हम जाते हैं वसीम बदामी की, हिमानी वालों की आउटलेट जाते हैं आउटलेट पर, तो जो उनकी गर्ल्स होती हैं या जो सेल ऑफिसर या उनके जो होते हैं, तो वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि ये भी देखें ये भी देखें, और ज़बरदस्ती मतलब काफ़ी फोर्स करते हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें। तो एक तो प्रॉब्लम उनकी शॉप का ये भी है वैसे, लेकिन खैर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, तो वो मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं वो भी बता रही हूँ, जो एवरेज है वो भी बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक जनरल बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि इनके किसी भी चीज़ का, कोई कॉस्मेटिक हो या स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, नेल केयर हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बात सही है कि कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं निकली, जैसे कि मैंने बताया नेल सीरम है या ये स्लीपिंग मास्क है, ये इतना कोई ख़ास नहीं था,
लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ मुझे ना, तो ऑर्गेनिक है तो इसलिए मैंने ऑर्गेनिक लिया कि भाई अगर फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको जो बता रही थी कि बीबी क्रीम एनसीसी क्रीम का ये मिक्सचर जो मैंने लिया इनका फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है, लिखा हुआ भी फॉर ऑल स्किन टोन और फ्लॉलेस बीबी एनसीसी क्रीम हिमानी वालों की, और इसके जो मेन फीचर्स हैं कि ये कलर करेक्शन करेगी, एंटी ब्लीमिश है यानी रेडनेस को कम करेगी, एंटी एजिंग है, ब्राइटनिंग है और सन प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एसपी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, हाँ एसपी, इसमें SPF 50 है जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जाने से पहले लगाई, तो इसकी कंसिस्टेंसी देख लें ऐसी है, तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कौन सी लाइट ली है, ठीक है, तो जिसकी स्किन का कलर मेरे जैसा है तो वो ये टोन लें तो उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये आप देखें, ये इनकी सीसी क्रीम है, जब ये लग रही है तो ये अच्छी लग रही है ना, लेकिन जब ये हम कंप्लीटली अपने फेस पे लगा लेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, हल्का सा एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आएगा। तो ये भी एक एवरेज प्रोडक्ट है इनका, जो लड़कियां चाहती हैं कि उनका थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट आए तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक मॉइस्चराइजर और एक हल्की सी, जिसे कहते हैं ना, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगी, लेकिन कोई खास स्किन पे फाउंडेशन का इफेक्ट या बीबी क्रीम का जो टिपिकल इफेक्ट होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, इससे अच्छी बीबी क्रीम मेरे ख्याल में जुनैद जमशेद की है, अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड्स में देखें, या दूसरी है, और जो बहुत ही रीजनेबल है वो तो गार्नियर की बीबी क्रीम है, जो बहुत अच्छी है, जो मैंने यूज़ की है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये भी सही है, तो ये भी मैं 7 देती हूँ आउट ऑफ 10। तो जो लोग इसको बाय करना चाहें वो करें, मगर मेरी रिकमेंडेशन है ना करें, वो जो है वो जुनैद जमशेद की ले लें, या फिर वो जो है ले लें गार्नियर की, ठीक है, ये उसके मुकाबले में ये अच्छी नहीं है, वैसे जनरली ठीक है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आप देख रहे होंगे ये, तो इनका ये अब मिट गया क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया, तो ये टेराकोटा ब्लश है बेसिकली, और ये थोड़ा सा शिमरी ब्लश है, ये अच्छा है इनका ब्लश, आपको मैं करीब से दिखा दूँ, ये मैंने यूज़ किया है काफ़ी, और इसका भी मैं आपको दिखाऊँ स्वाच करके, तो देखेंगे, मैंने पिंकिश टोन में लिया है, और चूंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट देता है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे आपको लगा के मैं दिखा दूँ, ये देखें, ये का मैं तो इसको अपनी आँखों पे भी लगा लेती हूँ। ठीक है, ये अच्छा इनका प्रोडक्ट है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ये ले सकते हैं ब्लश इनका, ये अच्छा है, और ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इनकी ओ सो फ्लॉलेस मिनरल लिप क्रीम की, ये भी अच्छा इनका प्रोडक्ट है, मैंने ये 1 साल पहले लिया था, तो ये 650 का तकरीबन पड़ा था मुझे ना ये लिप क्रीम इनकी, और इस पे सारा लिखा हुआ भी है कि इनकी जो है वो 18 मंथ तक इसकी एक्सपायरी है, कि आप इसको 18 मंथ तक यूज़ कर लें और उसके बाद ये इसकी एक्सपायरी है, तो ये जो है इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसका शेड है, और ये अच्छी लगी थी मुझे इनकी, ठीक है, पिंकिश, डार्क पिंकिश टोन का ये शेड है, अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये अच्छा है इनका प्रोडक्ट, ब्लश भी अच्छा है और ये लिप क्रीम भी अच्छी है। उसके बाद इनकी जो सेकंड की मैंने लिप प्रोडक्ट लिया है, ये लिखा हुआ है इस पर कि ये मेड इन इटली है इनका, ठीक है, और ये जो है इनकी पर्ल जो है वो मैट लिक्विड लिप है और लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी भी सही है, अच्छी है, तो इसका शेड आप देख लें, लिप क्रीम्स और ये लिपस्टिक्स तो सबकी अच्छी होती हैं, लड़कियां तो लगा लेती हैं, तो ये अच्छा है इनका, लेकिन हाँ आप अगेन वही बात है, आप इनको हुदा ब्यूटी या सफोरा से कंपेयर नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट के हिसाब से इनकी ये लिपस्टिक और ये ब्लश अच्छे हैं,
एलोवेरा जेल अच्छी है, रोज़ वाटर अच्छा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इनका ये था जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, इसका शेड स्पेशली, ये भी पर्ली प्राउड है और ये भी लिप पेंसिल है, और ये मैंने इतनी यूज़ की कि ये जो है ना ये ख़त्म ही हो गई, तो ये क्योंकि मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगता था, तो ये यूज़ की और ये बिल्कुल ही खाली ही हो गई। तो इनकी लिपस्टिक्स वगैरह अच्छी हैं। उसके बाद जो मैंने इनका लिया था तो ये काजल लिया था, ये हिमानी वालों का हर्बल काजल है और इसकी इस तरीके से पेंसिल लाइक फॉर्म है, ये इसको स्मच करने के लिए आता है कि आपने काजल लगाया हो तो ऐसे ऐसे करके आप स्मच कर लो, और ये इनकी काजल है। अच्छा, ये वाला काजल का कलर लिया था, ये मैंने थोड़ा सा फिरोजी ब्लूइश कलर लिया था और ये इस तरीके का है, पर इसका कलर आप लें तो थोड़ा सा, सॉरी मेरी टूट ही गई है गर्मी की वजह से, तो इसका कलर थोड़ा लाइट ना लेना, क्योंकि ये जो मेरा लाइट कलर है ये थोड़ा स्किन पे लगने के बाद ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये मैं डार्क कलर लें, जैसे ब्लैक कलर ले लें, और ये जो काजल पेंसिल ये वाली है ये भी ब्लैक में है या पता नहीं, हाँ ये ब्लैक है, तो ये वाली मैंने ब्लैक ली थी, तो ये इसका काजल का रिजल्ट है। काजल अच्छे हैं इनके, स्पेशली डार्क कलर के, ब्लैक कलर के, जो लाइट कलर में है वो इतना पता नहीं चल रहे, लेकिन जो डार्क कलर में है वो बड़े अच्छे, मतलब कलर उसका निखर के सामने आ रहा है। तो ये पेंसिल्स आप ले लें, उनके लिपस्टिक्स ले लें, ब्लशन ले लें, अच्छे हैं। बीबी या सीसी क्रीम में मैं इतनी मुतासिर नहीं हुई उनसे, सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे, ये अच्छे हैं। ये इनको मैं लिप क्रीम्स और लिपस्टिक्स को और काजल को मैं 8 out of 10 देती हूँ, ब्लशन भी 8 out of 10 है, एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छी है, रोज़ वाटर भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये वाइटनिंग सीरम्स हैं फेस के, डार्क सर्कल्स के, या जो स्किन के वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह हैं ना, वो इनकी कोई इतनी सिग्निफिकेंटली फ़र्क नहीं डालती है चेहरे पे, तो 2000-1500 खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। और नेल सीरम हो गया, ये सारे फैंसी चीज़ें जो है ना इनकी इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जो इनकी एक बेसिक चीज़ें जैसे शहद है, अगर आप उनका ले रहे हैं, रोज़ वाटर ले रहे हैं, जेल एलोवेरा जेल ले रहे हैं, और ये अगर लिप क्रीम्स वगैरह ऑर्गेनिक फॉर्म में काजल ले रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड आप लें। साथ में इनके फेस वॉशेस और फेस के स्क्रब बहुत अच्छे हैं, खास तौर पे जो हनी की इनकी सीरीज़ आई थी या गोल्ड पर्ल गोल्ड की जो सीरीज़ थी, जिसमें इन्होंने फेस वॉशेस और पूरे स्क्रब की पूरी सीरीज़ थी, वो बड़ी इनकी अच्छी है। तो इनके आप वॉशेस ले लें फेस के, सैनिटाइजर्स इनके बहुत अच्छे हैं, हेमानी का सैनिटाइजर जो है उसमें जो है वो काफ़ी अच्छा एंटीसेप्टिक सैनिटाइज़र है। तो फाइनली जो कंक्लूजन है वो ये निकली पूरी वीडियो से कि इनके सैनिटाइज़र, फेस वॉश, हैंड वॉश, या इनके जो लिप क्रीम्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, काजल हैं, एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनकी, ये आप लें, हनी इनका ले लें कोई आप, लेकिन इनके जो परफ्यूम्स हैं या जो इनके ये स्किन केयर की जो रेंज है ना, कि मॉइस्चराइजर की जो शक्ल में रेंज है, या वाइटनिंग क्रीम्स, बीबी क्रीम, ये इनकी कोई ख़ास नहीं है, एवरेज है मतलब। लेकिन जो सबसे अच्छी बात इनकी कंपनी की है कि इनकी किसी चीज़ को लगाने से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा आप लोगों को तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज का मेरा रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है। अच्छा, मैं दिखा दूँ इनका पील ऑफ मास्क ना, इस तरीके से देखें, इस तरीके से खुद ही निकल गया, तो ये इसकी अच्छी क्वालिटी है कि ये इस तरह से निकल जाता है। खैर, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई से नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। और कोई बात इस वीडियो से मुतालिक आपको पूछनी हो दोस्तों, किसी चीज़ की एग्जैक्ट कीमत पूछनी हो, या कोई और बात पूछनी हो रिलेटेड टू स्किन केयर, मेकअप, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। और ये ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपको दिया है, तमाम चीज़ें इस्तेमाल की हुई नज़र आ रही हैं, तो मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगले टाइम में मैं आपको और दूसरे ब्रांड्स का रिव्यू ला के दूँगी, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।